हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आप लोग का बहुत कमेंट्स आ रहा था कि हॉस्टल दिखाओ, हॉस्टल दिखाओ, हॉस्टल दिखाओ। सो मैंने सोचा आज फ्री हूँ तो आप लोग को एक हॉस्टल का टूर देता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी साउथ यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और ये हॉस्टल नंबर हमारा 3 है जो हमारे सामने है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नज़ारा आपके सामने है आँखों के। यू कैन सी हियर, इट्स हॉस्टल नंबर 3 ऑफ साउथ यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वी हैव 5 हॉस्टल ऑफ आवर यूनिवर्सिटी एंड सी द ग्रीनरी। Have a look. It's 8th floor building. How big? So I'm taking you inside. Yahan se door. Dawai. Ye office hai jahan guard baithte hain. Ye hamara hai. कॉरिडोर है और ये हमारा ब्लॉक, इंडियन ब्लॉक होता है। हेलो, ये कॉरिडोर है और ये मेहता भाई, व्हाट आर यू कुकिंग? चाइनीज मैगी। सो यार, गर्ल्स एंड बॉयज आर कुकिंग। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ खाना बना रहे हैं। वॉश बेसिन दो है, यहाँ गार्बेज देखो। मैं कहीं जाना नहीं है, बस किसी को इस्तेमाल हुआ जो भी किचन का सामान हुआ वाड़। ये हमारा नेक्स्ट खाता है लॉन्ड्री। यहाँ दो वॉशिंग मशीन लगी है, आप अपने कपड़े धो सकते हैं। और ये मेरा बहुत सारी फैसिलिटीज है। अब हम चलते हैं अपने ब्लॉक। ये बॉयज का ब्लॉक है, बॉयज का ब्लॉक दिखाता हूँ। खुश हूँ, यस, कम है। दो सीटेड रूम है, बहुत बड़ा रूम है। 3 सीटेड था लेकिन अभी फिलहाल 2 बच्चे रहते हैं। ये 2 बेड होगा, सामने बड़ा सा कबर्ड। और अभी आपके सामने यहाँ का सबसे ज्यादा VIP रूम खुलने वाला है। ये मेरा रूम, कम बॉय। देखने से ही लग रहा है कितना प्यारा रूम है। कम इन कम है, मेरा बेड साइड टेबल है, मेरा बेड और ये बेड है, मेरे रूममेट का बेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मुझे एक्स्ट्रा एक नीचे छोटी सी कवर्ड मिली है और एक माइक्रोवेव मिला है मुझे, जो मैंने रूम में खाना गर्म करता है। और इधर टेबल है, जहाँ स्टडीज के लिए विंडो रहता है। और विंडो खुला रहता है, अभी समय का टाइम है, हवा आने के लिए। नॉइज प्रूफ है पूरा रूम, विंडो बंद कर दो तो थोड़ी सी भी आवाज़ें नहीं आती। बात थोड़ा गलत है, कोई बात नहीं, चले बिहार। और यहाँ ब्रश का निकले मुहार होने के लिए। ये वेस्टर्न टॉयलेट, इसको सुनो, इसको बारे में बोल। हाँ हाँ, वो हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग इंडियन है, हमें लोटा चाहिए होता है। मेरा लोटा का गुजार। ये वाशिंग का रूम, दो रूम में कारपेट है, कबर्ड है एज यूजुअल। बट आने वाले टाइम में जब हमारे न्यू स्टूडेंट्स आएंगे इंडिया से, ये भी भरा। और ये रेफ्रिजरेटर एक फ्रीजर, जिसमें हमारे पास जो भी चल नहीं रहा है, लेकिन आने वाले दिन में ये मेरे कमरे में दिखेगा।
रूम जहाँ हम लोग पढ़ते हैं। अभी छुट्टियाँ चल रही है, वेकेशन हैं, तो सारे सीट्स डेस्क पे रखे हुए, सारे बेंच। और अभी कोई पढ़ नहीं रहा है, मोस्टली सब लोग तो घर जाने की तैयारी में। ये हमारा स्टडी रूम है, जिसको जब मन होता है यहाँ आके पढ़ लेता है। ये बुक शेल्फ है, बेसिकली क्लासरूम जैसा दिख रहा है, लेकिन ये स्टडी रूम है हमारा। ये स्टडी रूम को दिखा दिया आपको, आपको दिखाऊंगा आप टेबल टेनिस का हमारा जो टेबल है ऊपर। सो चलते हैं 8th फ्लोर पे, वहाँ टेबल टेनिस कैसे खेलते हैं वो दिखाऊंगा आपको। आगे हम लोग 8th फ्लोर पे, ये टेबल टेनिस। सेम ब्लॉक यहाँ टेबल टेनिस के बैट्स रखे हैं, बॉल रखे हैं। टाइम पास करने के लिए, थोड़ा मूड रिफ्रेश करने के लिए खेलो। किसी भी शाम को अलग अलग एलिमेंट्स, ये रूम, ये ग्रीनरी, पेड़ हैं, स्ट्रीट। एट फ्लोर से व्यू, इधर का व्यू आप लोगों ने देखा होगा। हमारा रूम भी बहुत बढ़िया है, वीआईपी रूम कहते हैं हम इसको, क्योंकि सारे रूमों से ज़्यादा बेस्ट हमारा रूम है, क्योंकि हमने अच्छे से सजा रखा। और हमारे रूम में बाकी सभी रूम में सेफ्टी के लिए लगा हुआ है स्मोक सेंसर, जैसे ही स्मोक आती है वो डिटेक्ट करके तुरंत अलार्म बजने लगती है फायर सेफ्टी के लिए। दिखाता हूँ आपको, फायर सेफ्टी में ऊपर देख सकते हो आप, दो दो फायर सेफ्टी का अलार्म लगा हुआ है, तुरंत स्मोक डिटेक्ट कर लेता है। आप लोगों ने देख लिया, आप लोग इतनी वो डिमांड दी थी हॉस्टल दिखा दो, हॉस्टल दिखा दो, कमेंट करके बताना हमारा हॉस्टल कैसा है। तो
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, सी यू सून।